तो हमने अभी तक क्या कर लिया है, हम लोगों ने अभी तक ये कुछ कंट्रोल सीख लिए हैं। अब मान लीजिए एक कंट्रोल और लेते हैं जिसमें मेरे को यहाँ पर लिखना है कि एग्जाम सेंटर आपको क्या सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए मेरे पास काफी ज्यादा रेडियो बटन है, 200 से भी ज्यादा है, तब आप रेडियो बटन यूज ना करके रेडियो बटन लिस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल कंट्रोल एक साथ ले सकते हैं। वो इसमें डाले कैसे जाएंगे, एडिट आइटम पे क्लिक करेंगे आप, इसमें जितने भी आपको ऑप्शन डालने हैं क्लिक कर करके आप डाल सकते हैं। तो मैं कुछ सेंटर्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि डुकेट सेंटर, एमडीयू सेंटर, आईपी सेंटर, जेएनयू सेंटर, और एक आपका कौन सा आ गया, लिंगिया सेंटर। ओके किया, तो ये कुछ लिस्ट हमने ले लिया। अब इन लिस्टों को हम अरेंज करना चाहते हैं कि रो के हिसाब से आ जाए, तो इसको नीचे स्क्रॉल करना है आप। यहाँ पर आपको मिलेगा रिपीट डायरेक्शन, वर्टिकल है, आप इसको कॉलम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कितने कॉलम एक दफा में रिपीट होने चाहिए, तो नंबर भी आता है रिपीट कॉलम्स। तो मैं चाहता हूँ एक दफा में तीन रिपीट हो, लाइक दिस वे, ऐसे आप बना सकते हैं। अब इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, तो मैंने इसको नाम दे दिया रेडियो बटन लिस्ट, और ये हो गया सेंटर के नाम से। अब इसमें से कोई भी रेडियो बटन, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, उसको कैसे उठाना होता है देखो, क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने एग्जाम सेंटर के नाम से, अब इसमें वैल्यू उठाएंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जाम सेंटर, तो वैल्यू उठाई जाएगी रेडियो बटन लिस्ट डॉट सेंटर डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ये लिखना है इसके लिए। तो सिलेक्टेड आइटम, जो आइटम आपने सेलेक्ट किया उसी का टेक्स्ट उठाए। तो इस जगह पर ये वाला डाटा ऐड करना है आपको, यहाँ पर जाएंगे ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर दिया हमने। अब इसको फिर से एक बार चलाकर देख लेते हैं, गूगल क्रोम फायर किया, फिर से एंट्री करते हैं रिकॉर्ड की, ये देखिए क्लिक करें और देखिए ये रिकॉर्ड आ गया, एमडीयू आ चुका है वहां पर।